नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकती है। हैदराबाद स्थित इस दवा निर्माता कंपनी को बूस्टर खुराक के रूप में इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय रॉय ने कहा है कि यदि क्लिनिकल ट्रायल में ये वैक्सीन म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रदान कर देती है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। कोविड-19 टेस्ट को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की इस परेशानी को कम करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक समूह ने कोविड-19 टेस्ट की एक नई तकनीक का इजाद किया है। इस तकनीक का उपयोग करके अब लोग स्मार्टफोन की मदद से कोविड-19 टेस्ट कर सकेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत में बन रही वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को आर्थिक समीक्षा पेश की, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 से 8.5% की दर में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुमान के मुताबिक आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रह सकती है। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 2,09,918 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 959 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इसी दौरान 2,62,628 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। इसके बाद देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 18,31,318 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 15.77% हो गई है। अब तक कुल 166 करोड़ वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इससे पहले रविवार को देश में एक दिन में 2,35,532 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,08,58,241 हो गई थी। बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए प्ले स्कूल की संकल्पना अब शहरों से गांव तक पहुंचने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्या प्रवेश कार्यक्रम देश के सभी स्कूलों में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल शिक्षा से जुड़े सुधार कार्यक्रम के तहत इसकी संकल्पना रखी थी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को 3 महीने का एक खास कोर्स करवाया जाएगा। बजट से एक दिन पहले घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी की बढ़त के साथ ही शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 750 अंकों से ज्यादा चढ़ गया, जबकि निफ्टी 17,350 के पार निकल गया। IT रियलिटी समेत सभी सेक्टर्स में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहरानपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित किया। उनके यहां समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि मैं इस बात को लेकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाइयों और बदला लेने की सोच रखने वालों से सावधान है और उनको फिर से सत्ता से बेदखल कर भाजपा को पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत दिलाएंगे। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर संभव 2024 तक भारत में मिल जाएगा। पाटिल ने देश के लिए कई साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की सराहना भी की है। नीरज चोपड़ा ने फोटो शेयर हाल ही में की है, जिसमें वो ऋषभ पंत के साथ नजर आ रहे हैं। नीरज ने पोस्ट में लिखा है कि जब आपके जैसे दोस्त हो तो कैमरा फेस करते समय सब कुछ आसान हो जाता है। ऋषभ पंत के साथ इस तरह काफी मस्ती वो करते नजर आ रहे हैं। इस बीच ऋषभ पंत ने भी कमेंट किया। उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा कि आप पहले से ही सब जानते हो नीरज, ट्रेनिंग के लिए गुड लक, उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारत के उभरे सितारे हंसी के ठहाके लगा रहे हैं। इस दौरान दोनों ने काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। देश का बैंकिंग सिस्टम कोरोना महामारी के दिए घाव से ठीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका कुछ असर अभी बाकी है। सोमवार 31 जनवरी को जारी इकोनॉमिक सर्वे में यह बात सामने आई है। इकोनॉमिक सर्वे को बजट पूर्व सर्वे भी कहा जाता है, जिसे सरकार हर साल बजट से एक दिन पहले जारी करती है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को तगड़ा झटका लगा है। एक ही दिन में उनकी संपत्ति में $109 अरब की गिरावट आई है। दरअसल 2021 में कारों की रिकॉर्ड डिलीवरी के बावजूद एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के बनी चौथी तिमाही की इनकम और आगे के लिए अनुमान निवेशकों को प्रभावित करने में विफल रहे। भारत के सबसे बड़े IPO पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट कंपनी के शुरुआती निवेशकों के लिए एक महंगा सबक साबित हो रही है। 18 नवंबर को लिस्टिंग के बाद से अभी तक पेटीएम के शेयर लगभग 58% टूट चुके हैं। उसके पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस की वैल्यूएशन $20 अरब से घटकर $7.8 अरब रह गई है।
पिछले कुछ सालों में पावर बैंक एक प्रमुख गैजेट के रूप में सामने आया है। फिलहाल भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा 10,000 एमएएच के पावर बैंक की बिक्री होती है। हालांकि 30,000 एमएएच के पावर बैंक भी बाजार में है। अब एक शख्स ने 27 मिलियन एमएएच का पावर बैंक तैयार किया है। इस पावर बैंक को हैंडी गेंग नाम से एक चाइनीज शख्स ने तैयार किया है। केंद्र सरकार बजट के बाद कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। दरअसल बीते काफी दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाए महंगाई भत्ते पर फैसला किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अब 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट के बाद इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के 18 महीनों के बकाए महंगाई भत्ते को भुगतान एक साथ कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों के अकाउंट में 2,00,000 रुपए तक क्रेडिट हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में आने वाले चुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। वहीं भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए बुलंदशहर पहुंचे थे। अब इसी क्रम में आज वो डोर टू डोर कैंपेन करने योगी आगरा पहुंचे थे। उन्होंने वहां अपने संबोधन के दौरान एसपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने सपा और बसपा को अवसरवादी पार्टी करार देते हुए एसपी प्रत्याशी जनता को भटकाने का काम कर रहे ऐसी बातें कही। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिद्धू की पोजीशन अब कमजोर हो गई है, जो पहले थी वो अब नहीं रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का करियर कमाल का रहा, लेकिन उनके करियर के आखिरी दिनों में बीसीसीआई ने सपोर्ट न मिलने की वजह से उनका बेहतरीन गति से चल रहा अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जैसा सपोर्ट बीसीसीआई ने एमएस धोनी को दिया, वैसा सपोर्ट किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं मिला। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज होने के बाद भूमिगत चल रहे खानसर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि सभी शिक्षक थाने आकर नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि आरोपित कोचिंग संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा पार्ट 3 लाने की घोषणा कर चुकी है। नेहा सिंह अपने गीतों में सामाजिक मुद्दों को बढ़ चढ़कर उठाती है। अपने गीतों से सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को बेखौफ उठाने वाली भोजपुरी गीतकार और गायिका नेहा सिंह राठौर इन दोनों फिर से चर्चा में आ गई हैं। किसी भी क्रिकेटर का सपना विश्व कप जीतना होता है। वो अपने देश का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करने के लिए बेकरार होता है। हालांकि भारतीय टीम ने 2011 विश्व कप के बाद से सफलता नहीं चखी है। वो 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप और 2016 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हुई, जबकि 2014 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर हुई थी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी भारत ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट भी नहीं जीती है, लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के माथे चढ़े इस कलंक को हटाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा को प्रथम चरण के चुनाव के ठीक पहले बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक की सपा में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने दावा किया है कि मयंक आज शाम तक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर आज लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर में महत्वपूर्ण नेताओं को भी बुलाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटा दी हैं। आईपीपीबी ने सेविंग खाते पर 25 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दर घटाने की घोषणा की है। नई दरें 1 फरवरी से लागू होंगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या आईपीपीबी पोस्ट ऑफिस के तहत चलाया जाता है और यह भारतीय डाक के अधीन होता है। आईपीपीबी आम लोगों और निवेशकों के लिए कई स्कीम चलाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। सभी को इंतजार है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं। आम बजट में लोगों की निगाह रेल बजट पर भी होगी। इस बार के रेल बजट में कई नई शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे की प्राथमिकता भले ही सुरक्षा को लेकर बनी रहेगी, लेकिन इस बजट में कई और चीजों को लेकर रेलवे में नई शुरुआत हो सकती है। NEEPCO रिक्रूटमेंट नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों पर कुल मिलाकर के 56 वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को NAPS के ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in के जरिए एनरोलमेंट करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र भरकर NEEPCO.apprentices@gmail.com पर जाकर मेल कर सकते हैं। पीएम मोदी के लोकप्रिय शब्द मित्रों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आज तंज कसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा खतरनाक है ओ मित्रों। हम हर दिन बढ़ते ध्रुवीकरण, नफरत और कट्टरता को बढ़ावा देने, संविधान पर कपटपूर्ण हमले और फिर हमारे लोकतंत्र के कमजोर होने के परिणामों को माप रहे हैं। इस वायरस का कोई हल्का वेरियंट नहीं है। तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस 15 की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया और करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बिग बॉस 15 तेजस्वी प्रकाश के लिए बहुत ही अहम रहा। उन्होंने न केवल 40,00,000 रुपए की प्राइस मनी जीती, बल्कि उन्हें नागिन 6 में काम करने का ऑफर भी मिल गया है।
देश में 2016 से अब तक 56 मिलियन क्षेत्र में 60,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। स्टार्टअप्स ने देश भर में 6 लाख नई नौकरियां पैदा की हैं। सरकार की नीतियों के कारण आज भारत उन देशों में से एक है जहां इंटरनेट शुल्क बहुत कम है, स्मार्टफोन की कीमत भी कम है। विश्व में कोरोना वायरस महामारी से अब तक 37.42 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि इसके संक्रमण से 56.62 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं दुनिया भर में अब तक 9.96 अरब से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अमेरिका के जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस रिसोर्सेज सेंटर की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,42,79,678 हो गई है और मृतकों के आंकड़े बढ़कर 56.62 लाख पर पहुंच गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और लास्ट डेट में सिर्फ 2 दिन का समय और बचा है। ऐसे में जो अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट के जरिए rrcser.co.in के जरिए 2 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रभु प्रशांत, साइका नाज, डॉक्टर शेख अफरीन, दिव्यांशु कुमारी, धीरज कुमार, जितेंद्र ठाकुर, प्रेम सिंह, कमल देव कुमार, रोहित रूपी, लक्ष्मण कुमार, विनोद कुमार, सुमंत कुमार, सुमन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मंगलवार को पेश होने वाले बजट में आपको किस क्षेत्र में सरकार की तरफ से राहत मिलने की उम्मीद है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।